चाइना डोर पर पुलिस और प्रशासन हर साल प्रतिबंध लगाता है, लेकिन इसके बावजूद इसका विक्रय चोरी छुपके जारी रहता है। इस वर्ष उज्जैन एसपी सचिन शर्मा ने आदेश दिए, इस बार पुलिस प्रशासन चाइना डोर बेचने वालों के खिलाफ प्रकरण दर्ज करे, साथ ही डोर से पतंग उड़ाने वालों के खिलाफ भी कड़ी कार्यवाही की जाए। पतंगबाजी का शौक रखने वाले लोग सिर्फ यही चाहते हैं कि वे अधिक से अधिक पैच काट पाए और उनकी पतंग कभी नहीं कटे, जिसके लिए बाजार में पिछले कुछ वर्षों से चाइना डोर का विक्रय लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन यह डोर आम लोगों और पक्षियों के लिए घातक साबित होती है, जिससे पिछले कुछ वर्षों में कई बेकसूरों की जान भी जा चुकी है। इस वर्ष भी आदेशों का पालन करते हुए जहां इस डोर के क्रय विक्रय पर प्रतिबंध लगाने के लिए लगातार छापामार कार्रवाई की जा रही है, वहीं चाइना डोर पर पुलिस प्रशासन का विक्रय करने वालों के खिलाफ, इस डोर से पतंग उड़ाने वालों के खिलाफ भी प्रकरण दर्ज करने की बात कही गई है। भारतीय दंड विधान की धारा 307 के तहत अपराधी को 10 वर्ष से लेकर अधिकतम आजीवन कारावास की सजा भी हो सकती है। उज्जैन जिले में फूर में बड़े दुखद घटनाक्रम हुए हैं, जहां चाइना डोर के कारण लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ी है। इस वर्ष हमने पहला जो हमारा चरण रहा है वो जन जागरूकता का रहा है, जिसमें मीडिया सोशल मीडिया के माध्यम से अपील की है कि चाइना डोर का इस्तेमाल ना किया जाए। इसके अलावा पूर्व में जिन्होंने चाइना डोर को स्टॉक किया है उनके खिलाफ कार्रवाई हमारे द्वारा की जा रही है। जितने भी पतंग संबंधी विक्रेता हैं उनकी हमने सूची तैयार कर ली है पूरे जिले में, लगातार उनको भी चेक किया जा रहा है और ये एक डेडिकेटेड हेल्पलाइन नंबर भी इशू किया गया है और इसमें हम लोग सिविल में भी पुलिस अधिकारी और अपनी टीम भेज रहे हैं जो लगातार चाइना डोर की डिमांड करती है। कहीं भी अगर कोई व्यक्ति इस कार्य में संलिप्त पाया गया तो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर सहित अधिकारियों की टीम निकली क्षिप्रा देखने। सुबह जल्दी अधिकारी बंगलों से निकले, पूछा क्या मकर संक्रांति तक पूर्व नर्मदा का पानी आ पाएगा। स्थानीय अधिकारियों से गंदे नालों की जानकारी ली। रविवार को मुख्यमंत्री ने बैठक ली और आज से कलेक्टर ने नदी का निरीक्षण करना शुरू कर दिया। आज सुबह अधिकारियों के साथ कलेक्टर ने क्षिप्रा नदी के सभी पॉइंट देखे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शनिवार को उज्जैन, देवास और इंदौर के कलेक्टर की संयुक्त बैठक ली थी और कहा था कि क्षिप्रा नदी का शुद्धिकरण कैसे हो और कान्हे नदी का पानी का ट्रीटमेंट कैसे किया जाए। इन पर सभी कलेक्टर अपने विचार रखे। इस निर्देश के बाद आज कलेक्टर एक्शन में है और उन्होंने क्षिप्रा नदी का दौरा शुरू कर दिया। कलेक्टर नीरज कुमार सिंह आज सुबह 8 बजे से क्षिप्रा नदी का दौरा करने निकल गए। इस दौरान उन्होंने जूना निनोरा से अपने दौरे की शुरुआत की और वो राघव पिपलिया, करोहन, त्रिवेणी, गौघाट, पाला, हरिपाटक के नीचे जहां पानी का ट्रीटमेंट होता है वहां से होते हुए रामघाट पहुंचे। उन्होंने सभी स्थानों पर रुककर क्षिप्रा के पानी की स्थिति देखी और जहां पर नर्मदा का पानी आता है उस स्थान से पाइप को देखा और अधिकारियों से पूछा पाइप इतना बड़ा है और पानी इतना कम क्यों आ रहा है। इसका अधिकारी जवाब नहीं दे पाए और उन्होंने NVDA के अधिकारियों से बातचीत की और कहा कि पानी सही मात्रा में क्यों नहीं आ पा रहा है, इसको ठीक करें। कलेक्टर के साथ इस दौरे में जल संसाधन विभाग के अधिकारी, निगम आयुक्त आशीष पाठक एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधिकारी भी मौजूद थे। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार क्षिप्रा के शुद्धिकरण के लिए ठोस कार्रवाई की जानी है और शॉर्ट टर्म में क्या हो सकता है और लॉन्ग टर्म में क्या हो सकता है इसकी पूरी कार्य योजना जो है सप्ताह भर में देने के निर्देश हुए थे। उसी के अनुक्रम में आज कान नदी का, क्षिप्रा नदी का विभिन्न स्थलों का निरीक्षण किया गया है। जहाँ पर गंदा पानी मिलता है क्षिप्रा जी से उसका भी निरीक्षण किया गया है और आज शाम को सभी अधिकारियों के संबंध में बैठक रखी गई है। तो कहाँ कहाँ पर हम स्टॉप डैम बना सकते हैं, कहाँ पर STP की आवश्यकता पड़ेगी, बाकी जिलों से क्या कोऑर्डिनेशन होगा तथा अन्य जो पूल के प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसमें क्या कमियां हैं, उसको किस प्रकार से हम लोग जल्दी पूर्ण करा सकते हैं उसके बारे में पूरी कार्य योजना बना करके प्रस्तुत की जाएगी। सर कितने नाले अभी मिल रहे हैं? देखिए, इंदौर की तरफ से करीब 100 MLD पानी है जो कि अभी अनट्रीटेड आ रहा है। इसके अलावा कान नदी का पूरा जो पानी है वो तो क्षिप्रा जी में मिल ही रहा है। इसके अलावा गऊ घाट पे 2 नाले हैं प्लस कुछ कॉलोनियों के भी हैं जो कि अभी मिल रहे हैं। तो ये सब इंटीग्रेटेड तौर पर और आगे की कार्य योजना इस प्रकार से कि आगे के 30 सालों में किस प्रकार से आबादी बढ़ेगी उसको ध्यान में रख करके बना करके इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ये इमीडिएट प्रायोरिटी है हमारी। जो स्नान होना है उसके लिए नर्मदा जी का जल आने लगा है
अभी सुबह मेरी एनवीडीए में फिर से बात हुई थी, नर्मदा जी से और जल प्रवाहित करने की बात हुई है, तो वो उसे इंक्रीज किया जाएगा। वहाँ से एक ई भी आ रहे हैं, वो अभी 2 दिन यहीं पर रहेंगे, पूरा सुनिश्चित करेंगे कि नर्मदा जी से जो जल आ रहा है उसकी मात्रा बढ़े, और फिर जो बराज है रामघाट के आगे उसको खोल करके पुराना गंदा पानी निकाला जाएगा और स्वच्छ जल नर्मदा जी का वहाँ पर लाया जाएगा। कार्तिक मेले का समापन एवं पुरस्कार वितरण समारोह संपन्न हुआ। अगले वर्ष से कार्तिक मेला नए स्वरूप के साथ साथ गरिमामय रूप में लगेगा, ये कहना है महापौर मुकेश टटवाल का। नगर निगम द्वारा आयोजित क्षिप्रा नदी के तट पर कार्तिक मेला प्रांगण में दिनांक 7 दिसंबर 2023 से 8 जनवरी 2024 तक कार्तिक मेले का आयोजन नगर निगम द्वारा किया गया, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ साथ बॉडी बिल्डिंग, अखिल भारतीय मुशायरा, अखिल भारतीय कवि सम्मेलन, कुश्ती एवं कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। सोमवार को कार्तिक मेले का समापन एवं पुरस्कार वितरण कार्यक्रम महापौर मुकेश टटवाल की अध्यक्षता, नगर निगम अध्यक्ष कलावती यादव, नगर निगम आयुक्त आशीष पाठक के मुख्य आतिथ्य एवं समाज सेवी एवं वरिष्ठ नेता रूप पमनानी के विशेष आतिथ्य में समापन हुआ। साथ ही पुरस्कार वितरण समारोह का भी आयोजन हुआ, जिसमें कार्तिक मेला सांस्कृतिक समितियां एवं विभिन्न प्रतियोगिता में भागीदारी करने वाले प्रतिभागियों को साथ ही व्यापारियों एवं समितियों को पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर MIC सदस्य रजत मेहता, अनिल गुप्ता, डॉक्टर योगेश्वरी राठौर, जोन अध्यक्ष विजय सिंह कुशवाहा, संग्राम सिंह भाटिया, पार्षद बबीता घनश्याम गौड़, राखी कड़ेल, आभा कुशवाहा, नीलम राजा कालरा, प्रेमलता, ओम प्रकाश रामी, कार्तिक मेला सांस्कृतिक समिति के संयोजक गब्बर भाटी, सांस्कृतिक समिति के नोडल अधिकारी एवं जनसंपर्क अधिकारी रईस निजामी उपस्थित थे। और धीरे धीरे जैसे समाज में परिवर्तन आ रहा है और जो मनोरंजन और बाकी मिलने जुलने की जो नए माध्यम आ रहे हैं, उसमें इस तरह के मेलाओं का आयोजन निश्चित तौर पर चुनौतीपूर्ण है और बड़ा हर्ष का विषय है कि नगर पालिक निगम उज्जैन इस चुनौती का संवाहक बनते हुए कोशिश कर रही है कि इस तरह के मेलों और जिसमें कार्तिक मेला का बड़ा नाम है, हम इसी 1 सप्ताह के अंदर मेले को लेकर के हम बैठक करें, हम इसकी समीक्षा करें और अगली बार हमको क्या करना है उसकी रूपरेखा अभी से तय हो जाए ताकि उस समय हमको ज़्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। हम जब भी मेले में घूमते हैं तो कई बातें हमको जानकारी में आती पता चलती है, जैसे लोग खाने पीने की दुकान इस साइड होना चाहिए, झूले इस ओर लग जाए, मंच उस साइड हो जाए, या जिस प्रकार से अन्य मेलों में अलग अलग बड़ी कंपनियों के लोग आते हैं जहाँ पे शासन के द्वारा कुछ छूट भी प्राप्त होती है, हम भी कुछ ऐसे लोगों को यहाँ पर ला सकते हैं। हमारे उज्जैन में भैरवगढ़ की जो बुटीक है उसको हम रख सकते हैं, हम कई और संस्थाओं को यहाँ पर ला करके एक क्षेत्र उनके लिए हम आरक्षित करें। उज्जैन में 67वीं राष्ट्रीय शालेय मलखम्ब क्रीड़ा प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ, जिसमें 14 राज्यों के 300 खिलाड़ियों ने मलखम्ब की विभिन्न विधाओं का प्रदर्शन कर जिला शिक्षा अधिकारी आनंद शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि 67वीं राष्ट्रीय शालेय मलखम्ब क्रीड़ा प्रतियोगिता का आज मुख्य अतिथि उत्तर विधानसभा क्षेत्र के विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा व महापौर मुकेश टटवाल द्वारा किया गया। प्रतियोगिता में 14 राज्यों के 300 खिलाड़ियों ने भाग लिया। सभी खिलाड़ी 3 दिन पहले से ही उज्जैन पहुंच गए हैं। इसमें 3 वर्ग रखे गए हैं, 14 वर्ष, 17 वर्ष और 19 वर्ष। सभी वर्गों की बालक व बालिकाओं ने मलखम्ब की सभी विधाओं में भाग लिया। शुभारंभ अवसर पर सर्वप्रथम राज्य के खिलाड़ी द्वारा मार्च पास्ट कर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए व अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। प्रतियोगिता में लगभग 150 ऑफिशियल एवं 54 टेक्निकल ऑफिसर्स उपस्थित थे जो पूरी प्रतियोगिता की रेफरशिप करेंगे। साथ ही साथ गेम्स फेडरेशन की अग्रवाल मैडम व राजेश यादव यहाँ पर मौजूद है, जयपुर प्रतियोगिता को संपन्न करवाएंगे। ये सारा आयोजन उज्जैन जिला कलेक्टर के मार्गदर्शन में करवाया जा रहा है। अनिश्चित रूप से और इसके बाद एक ऐसा मॉडलर स्टेट गुजरात जिसे हर व्यक्ति को देखने की इच्छा होती है, तमन्ना होती है कि हम प्रधानमंत्री बनाए उस राज्य का एक बार जरूर जाकर देखें, लाइन है लॉर्ड इस पे करें। और इसके बाद जय शिवाजी जय भवानी तमिलनाडु, ये बच्चे तमिलनाडु वाले साहब।
हमेशा हमारी धार्मिक विरासत जिसने सहयोग कर रखी है और सबसे लास्ट में मध्य प्रदेश मैच पॉइंट की छठवीं राष्ट्रीय शालेय मलखंब प्रतियोगिता है। इसमें 14 स्टेट्स हैं और इन 14 स्टेट्स का आगमन हो चुका है, सारे बच्चे आ गए हैं। परसों से यहां पर आगमन हुआ था, आज से ये प्रतियोगिता आरंभ हुई है जिसमें लगभग 300 विद्यार्थी इसमें सहभागी हैं। बालक और बालिका वर्ग दोनों का है, 14 वर्ष 17 वर्ष और 19 वर्ष, तीनों आयु वर्ग के हमारे बालक और बालिकाओं का ये कंपटीशन है। और इस प्रतियोगिता में लगभग 150 ऑफिशियल्स हैं और 54 हमारे जो टेक्निकल ऑफिसर्स हैं जो कि इसको इसकी रेफरशिप करेंगे वो यहाँ उपस्थित हैं। और इसके अलावा स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया जो गेम्स फेडरेशन है हमारी SGFI, उसके हमारे प्रतिनिधि अग्रवाल मैडम और आदरणीय राजेश यादव जी हम हमारे बीच में इस प्रतियोगिता को संपन्न कराने के लिए उपस्थित हो रहे हैं। जिला के अतिरिक्त लोक शिक्षण संचालनालय से भी अधिकारी हमारे बीच में हैं जो यहां पर इस प्रतियोगिता की लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो फील्ड ऑफिसर और तमाम प्रकार की व्यवस्थाएँ हमने कलेक्टर महोदय के निर्देश पर यहाँ पर सब मुस्तैद कर रखी हैं। जिला स्तरीय मानक विज्ञान प्रदर्शनी के अंतर्गत उज्जैन ऑफ एक्सीलेंस स्कूल में 2 दिन के लिए विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत 4 जिले उज्जैन, देवास, शाजापुर और आगरमालवा से 129 मॉडल विद्यार्थियों ने तैयार किए, जिनकी प्रदर्शनी उज्जैन के उत्कृष्ट स्कूल में लगाई गई है। प्रदर्शनी का उद्देश्य विद्यार्थियों का प्रोत्साहन बढ़ाना और आगे चलकर वैज्ञानिक स्तर पर अपनी सोच रखना, साथ ही मॉडलों के आधार पर राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचना और देश विदेश में कार्य करना के साथ साथ देश विदेश में भारत के साथ ही अपना नाम कमाना है। खास बात यह है कि इस प्रदर्शनी के लिए ऑनलाइन 1000 से ज्यादा आइडियाज आए थे, जिसमें से 199 मॉडल का सिलेक्शन किया गया है, जिसमें 4 जिलों से आए विद्यार्थियों ने अपने दिमागी स्तर पर इन मॉडल्स को तैयार किया है, जिन्हें प्रदर्शनी में 2 दिन 8 और 9 जनवरी को शामिल किया गया है। ये जिला स्तरीय मानक संस्कार अवार्ड प्रदर्शनी है। इस प्रदर्शनी का उद्देश्य रहता है कि बच्चों में वैज्ञानिक सोच को विकसित किया जाए, और क्योंकि जितने भी बहुत सारे वैज्ञानिक सोच और इनोवेशंस ऐसे रहते हैं, आविष्कार, जो बाद में बच्चा उसको आगे जाके अच्छे से और विकसित कर सके और उसकी वैज्ञानिक सोच आगे बढ़ सके। आज इस प्रदर्शनी में 4 जिले के विद्यार्थियों ने प्रतिभागिता करी है, आगर मालवा, देवास, शाजापुर और उज्जैन, जो पूरे थे। टोटल एनरोलमेंट था यहाँ पर 199 का और आज बच्चे अपीयर हुए हैं 129। इसका मकसद ही है यहाँ पर कि बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे इनोवेशंस लेके आए और उस इनोवेशंस के तहत जितनी भी जो हमारी दैनिक जीवनचर्या में बहुत सारी समस्याएं रहती है, तो कुछ इनोवेशंस तो यहाँ पर बहुत मॉडल्स ऐसे अच्छे हैं, अगर आप भी देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ बच्चों ने बहुत मेहनत करी है और बहुत विकसित सोच के साथ वो आगे बढ़े। और मेरी यही शुभकामनाएं सब बच्चों को कि यहाँ से जो बच्चे हैं इनमें से 10% सिलेक्ट होके राज्य स्तरीय प्रतिभागी बनेंगे और वहाँ से फिर वहाँ पे भी सिलेक्ट होंगे और दिल्ली की तरफ। प्रदर्शनी में 4 जिलों से 129 मॉडल आए हैं और इन्होंने अपने आइडियाज़ जो है वो ऑनलाइन किए थे और वहाँ से 1000 से अधिक आइडिया उज्जैन जिले से या अन्य जिलों से और भी अधिक आइडिया ऑनलाइन हुए थे। उसमें ये 199 सेलेक्ट हुए हैं और उसमें से ये बच्चे यहाँ पर अपन प्रोटोटाइप मतलब प्रारंभिक मॉडल बना करके लाए, इनमें सुधार होता जाएगा और आगे जा करके ये राष्ट्रीय स्तर तक बहुत अच्छे मॉडल के रूप में ये सिलेक्ट होंगे और अपने देश प्रदेश का नाम
करेंगे। दिव्यांगजनों को लॉटरी के माध्यम से मकानों का आवंटन किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत AHP घटक यानी भागीदारी में किफायती आवास अंतर्गत नगर निगम द्वारा कानीपुरा क्षेत्र में निर्मित EWS आवासीय इकाइयों में दिव्यांग श्रेणी हेतु आरक्षित शेष रहे 6 आवासों को लॉटरी के माध्यम से आवंटन किया गया। इस अवसर पर उज्जैन उत्तर विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा, महापौर मुकेश टटवाल, निगम अध्यक्ष कलावती यादव, निगम आयुक्त आशीष पाठक, क्षेत्रीय पार्षद, MIC सदस्य एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। बहुत बहुत धन्यवाद कौशल जी को। दूसरा जो फ्लैट निकला है वो कौशल जी हैं, उनको भी नगर निगम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं है कि आज के इस कार्यक्रम को संबोधित करने का कष्ट। उनको आज उनका जब ये आप सब लोगों ने हमको दायित्व दिया था तब पहली बार हम इसको देखने के लिए आए थे, तो काफ़ी दिनों से इसका काम बंद पड़ा था और काम की तरफ किसी का ज़्यादा ध्यान नहीं था, लेकिन हमने तय करा कि इसको एक समयबद्ध तरीके से इसको पूरा किया जाए और पूरा करके इसका लोकार्पण किया। नीति व्यवहारिक स्तर पर जिनके लिए वो योजना है जो पात्र हितग्राही है उन तक अवश्य पहुंचेगी, इसे जोरदार तालियां बजाएं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें चाहे केंद्र में हो, चाहे प्रदेश में हो, चाहे स्थानीय स्तर पर हो, सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास ये एक बात है जो विश्वास होना चाहिए जनता के बीच में। तो आशीष जी, इस तरह के निर्माणकर्ताओं का सम्मान भी होना चाहिए। आज तो मैं प्राधिकरण का एक उज्जैन में नाम चलता है पर उज्जैन नगरपालिका निगम का भी नाम चले कि उज्जैन नगरपालिका निगम भी क्वालिटी के काम करती है और वास्तव में मल्टी और यहाँ की रोड वगैरह बहुत जोरदार बनी, इसलिए आगे से इस तरह की जो भी निर्माण कार्य हो इसी गुणवत्ता के, और आज जिनके भाग्य मैं समझता हूँ कि आप 12 के भाग्य खुले 6 बच जाए उनके लिए और कहीं ना कहीं भाग्य खुलेंगे।